बड़ी खबर आपको दे दें कि राहुल गांधी पहुंचे हैं डबोक एयरपोर्ट। मानगढ़ में होनी है राहुल गांधी की सभा और इस वक्त का अपडेट यही है कि राहुल गांधी डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले आपको जानकारी दी थी, सहयोगी रवि बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज जुटे हुए हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं कि डबोक एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंचे हैं मानगढ़ धाम। उनको जाना है, वहां पर सभा को संबोधित करना है और एक खास मैसेज भी राहुल गांधी की तरफ से यहां से दिया जाएगा। राहुल गांधी डबोक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने स्वागत किया है राहुल गांधी का। कुछ देर में डबोक एयरपोर्ट से मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं राहुल गांधी, इस वक्त का ये अपडेट है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही वहां पर पहुंच गए थे, वहां से मानगढ़ के लिए रवाना मुख्यमंत्री हो गए थे, लेकिन राहुल गांधी डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ ही देर में मानगढ़ धाम के लिए राहुल गांधी रवाना होने वाले हैं। क्योंकि करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा था राहुल गांधी का मानगढ़ धाम पहुंचने का, डबोक एयरपोर्ट वो पहुंचे हैं, यहां से सीधे रवानगी मानगढ़ धाम के लिए उनकी, और वहां पर एक बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर जुटी हुई है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उससे ज्यादा इस कार्यक्रम में भीड़ जुटने वाली है, वो देखने वाली बात होगी। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। रवि, राहुल गांधी डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अपडेट क्या है दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए दीपिका, राहुल गांधी जो है वो डबोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो है मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी जब डबोक एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसके अलावा जो उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं रामलाल जाट, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, अगवानी की, स्वागत किया और इसके बाद थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर द्वारा राहुल गांधी जो है वो मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं और मानगढ़ धाम में एक विशाल जनसभा, बड़ा जनसमूह जो है जो उमड़ा हुआ है उसको संबोधित करेंगे। इससे पहले राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, वो जो है मानगढ़ धाम पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आज का जो आयोजन है, आज का जो दिन है, कांग्रेसी खेमे में एक बड़ा उत्साह, जोश और जुनून जो है वो देखा जा रहा है। खासे खुश हैं चूंकि राहुल गांधी जो है उनकी, जिनकी कल ही सांसदी जो है वो बहाल हुई थी और आज उन्होंने लोकसभा में भी अपना जो डेलीवरेशन है वो रखा था और उसके बाद अब मानगढ़ धाम जो कि ऐतिहासिक जगह है, आदिवासियों का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल माना जाता है, वहां पर एक विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये जो आज का जो दिन होगा बेहद खास होगा और आज के दिन से अब चुनावी समर में कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ में उतर जाएगी। एक जोश भरने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी की होगी कि एक जोश और उमंग जो है वो कांग्रेसी खेमे में पैदा की जाए और सबको एक साथ लाकर, सबको एकजुट करके फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ सके, इस तरह की कवायद जो है वो हो, इन्हीं सब चीजों को लेकर राहुल गांधी जो है वो प्रयासरत होंगे। खुद सीएम अशोक गहलोत जो है वो इसी प्रयास में जुटे हुए हैं और आज का जो जनसभा है, आज क्या, किस तरह से क्या बोलते हैं, क्या संदेश जो है वो आदिवासियों के बीच राहुल गांधी देते हैं, ये देखना बिल्कुल अभी उसी पर हर किसी की नजर आएगी। रवि, हालांकि ये पूरा अपडेट आप बता रहे हैं लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि जरा बताइए वहां पर कि जब राहुल गांधी पहुंचे तो कैसा वहां पर लम्हा रहा और किस तरीके से रिसीव किया गया राहुल गांधी को, कैसे उनका स्वागत हुआ। और रवि, एक और अपडेट कि अब से कितनी देर में राहुल गांधी यहां से रवाना हो जाएंगे मानगढ़ धाम के लिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे तो बकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ में, जो संगठन का प्रोटोकॉल होता है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहे, पीसीसी चीफ उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहे और प्रभारी मंत्री रामलाल जाट प्रोटोकॉल के तहत उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। जो मेवाड़ी परंपरा है उसके अनुरूप उनका स्वागत किया गया, सूत की माला जो है वो उन्हें पहनाई गई और इसके बाद सभी से राहुल गांधी ने कुशलक्षेम पूछी, उनसे बातचीत की और इसके बाद में जो डबोक एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट का जो एप्रेन एरिया है वहीं पर जो चॉपर है वो तैयार है और अब इसी चॉपर से जो है कुछ ही देर में जो ये जो नेता हैं, तीनों जो लीडर्स हैं, ये मानगढ़ धाम के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। सभी जो जरूरी तैयारियां हैं वो सभी हो चुकी हैं और थोड़ी देर में चॉपर जो है उसको टेक ऑफ होगा मानगढ़
के लिए, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने बताया कि कई जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी सभी ने जो एक लिस्ट थी जिसमें जिन लोगों को एंट्री दी गई उन सभी ने राहुल गांधी का स्वागत किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां राहुल गांधी के लिए। और रवि मैं जरा रोक रही हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प बात आपने बताया, क्योंकि आजकल राहुल गांधी जब किसी आम व्यक्ति से मिलते हैं तो एक अलग ही उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, अलग ही तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब डबोके एयरपोर्ट पर आप बता रहे कि आम जन भी वहां पर मौजूद थे, तो किस तरीके से लोगों से मिले राहुल गांधी, रवि इसका जवाब दीजिएगा जरा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि जब ये चौपर पहुंचा राहुल गांधी का, उस समय की तस्वीरें हैं। डबोक एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और यहां से मानगढ़ धाम के लिए राहुल गांधी रवाना आपसे थोड़ी देर में हो जाएंगे। रवि जरा बताइएगा, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि आम लोग भी वहां पर मौजूद थे, और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल राहुल गांधी जब आम लोगों से मिल रहे हैं तो एक अलग ही अंदाज उनका नजर आ रहा है, यहां पर कैसा अंदाज देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आम लोगों से जब राहुल गांधी मिलते हैं तो पूरे उमंग और उल्लास के साथ मिलते हैं और गर्मजोशी से उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं आपको, उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर जो अंदर जहां पर उनका जिस स्पेशल चार्टर से वो पहुंचे, और अब उस दौरान जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं उदयपुर के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे मिले, उन्होंने भी स्वागत किया, और इसके बाद जो है वो मानगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं। तो दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी राहुल गांधी आम लोगों के बीच पहुंचते हैं पूरी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वही उन्हीं की मौजूदगी रही। और अब जब राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे तो मानगढ़ धाम में जो विशाल जनसमूह है, न केवल बागड़ और मेवाड़ से बल्कि आसपास के कई जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, पूरे देश में आदिवासी समाज की जो उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी धरोहरें हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए किस तरीके से कार्य हो सके, करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं जो है वो इस हेतु समर्पित की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जिस प्रतिबद्धता के साथ में कांग्रेस की जो राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है उसने जो आदिवासी हित के लिए जो कार्य किए हैं जी, उन तमाम चीजों को लेकर भी जनता के बीच, आदिवासियों के बीच अपनी बात रखी जाएगी। और एक बड़ा अपडेट दे दूं, राहुल गांधी जो है वो मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ रवाना हुए हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री रामलाल जाट जो है वो सभी जो है उनके साथ यहाँ पर उनके साथ। ठीक है रवि, रवि मैं रोक रही हूँ जरा आपका, आपकी बातों को मैं दोहरा देती हूँ जरा, अपने दर्शकों को अपडेट दे दूँ कि जरा आप डबोक एयरपोर्ट से राहुल गांधी रवाना हो गए हैं, और जिस तरीके से रवि बता रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ यहाँ से रवाना हुए हैं, मानगढ़ धाम के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं डबोक एयरपोर्ट से, रवि आप जानकारी दे रहे हैं। हालांकि रवि अब तो ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां पर पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से तो रवानगी हो गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से करीब 25 से 30 मिनट का जो है एयर टाइम जो बताया गया है, इतना ही समय मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर पहुंचने के लिए लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राहुल गांधी जो है वो मानगढ़ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर एक बड़ी जनसभा जो है जहां पर सीएम गहलोत और बाकी के जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के वो पहुंच चुके हैं, और अब राहुल गांधी कुछ ही देर में जनसभा स्थल पर होंगे, एक विशाल जनसमूह जो यहाँ पर उमड़ा है उसको संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और वो तमाम जो तथ्य हैं, जो तमाम जो स्थितियां हैं पूरे देश में किस तरीके से क्या हालात हैं उन पर भी वो बातचीत करेंगे, और विपक्ष की किस तरह की भूमिका हो सकती है, विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, ऐसे तमाम जो एजेंडे हैं उन पर जाहिर सी बात है इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी इन पर तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का जो समर्पण रहा है हमेशा से, आजादी के बाद से भी जो समर्पण है कांग्रेस का, उसके बारे में चर्चा होगी, राजस्थान सरकार के जो कार्य हैं उनके बारे में, और खासकर आदिवासी बंधुओं के उत्थान के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, और उनकी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उनकी जो रीति रिवाज है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए किस तरीके से सरकार प्रयासरत है, ये तमाम जो चीजें हैं ये आज इस जनसभा में चर्चा का विषय रहने वाली है। सीएम गहलोत जो है वो भी इस सभा में जब अपना संबोधन देंगे तो ये इस चीज को स्पष्ट किया जाएगा
कि किस तरीके से प्रदेश की गहलोत सरकार ने आदिवासी बंधुओं को प्राथमिकता पर रखकर उनके समग्र विकास को लेकर कार्य किए हैं, तमाम जनजाति छात्राओं के लिए किस तरह की योजनाएं संचालित हो रही हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं जो इस समाज के लिए, इस इलाके के लिए चलाई जा रही हैं, उन पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो मोबाइल फोन की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सीएम गहलोत की, राजस्थान सरकार की, उसके तहत भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर मोबाइल फोन जो है वो भी महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर खास बात ये भी है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर, अब क्योंकि चर्चा काफी समय से चल रही थी कि कांग्रेस का कोई भी आलाकमान का अभी तक दौरा नहीं हुआ है, दौरा फिक्स हुआ राहुल गांधी का तो मानगढ़ धाम का ही हुआ। यहाँ से अगर राहुल गांधी संबोधित करते हैं तो रवि जरा ये बताइए कि कितनी सीटों तक क्या मैसेज यहाँ से जाएगा? बिल्कुल, देखिए दीपिका, जो मानगढ़ धाम है आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्मस्थल है, एक तरीके से कहें तो उनके लिए तीर्थ से कम नहीं है ये जगह। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये जो जगह है इसकी अगर भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ गुजरात है, एक तरफ राजस्थान है और एक तरफ मध्य प्रदेश का मालवा का जो इलाका है वो आता है। तो जाहिर सी बात है करीब करीब 50 से ज्यादा सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। अकेले उदयपुर संभाग की अगर सीटों की बात करें तो 28 जो विधानसभा सीटें हैं वो इस इलाके से जो है अपना प्रतिनिधि जो है वो इस इलाके से चुनते हैं, 28 प्रतिनिधि जो हैं जो विधानसभा में इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बिल्कुल खास मैसेज यहां से रवि दिया जाएगा। रवि आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट